नमस्ते एवरीवन, आज हम बॉक्सिंग के ऊपर बनी साउथ इंडियन तमिल मूवी सरपट्टा परम्बराई को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये मूवी सही मायने में आपको गिरकर उठना सिखाती है। ये मूवी किसी भी तरह से हॉलीवुड की रॉकी से कम नहीं है। ऐसी ही और भी मूवीज इंडिया में जरूर बननी चाहिए। तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। कहानी सेट है 70s के एरा में, जहां पर तमिलनाडु में दो बॉक्सिंग क्लब्स को दिखाया गया है, सरपट्टा और इडियप्पा। ये दोनों क्लब्स कोई आम बॉक्सिंग क्लब्स नहीं होते हैं, बल्कि पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंशियल होते हैं। आगे हमें फिल्म के लीड कबीला को दिखाया जाता है। कबीला वैसे तो पोर्ट में लेबर का काम करता है, मगर वो बचपन से ही एक बॉक्सर बनना चाहता है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। मगर उसकी माँ बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि कबीला बॉक्सिंग करे, क्योंकि उसके पिता की हत्या भी इसी बॉक्सिंग के वजह से कर दी गई थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे बॉक्सर थे, इसीलिए राइवल गैंग ने उनकी हत्या करवा दी। आगे हमें यह भी दिखाया जाता है कि कबीला सरपट्टा क्लब के कोच रंगन का बहुत बड़ा फैन है। वो बचपन से उसके मैचेस देखता आ रहा होता है और उन्हीं को अपना गुरु भी मानता है। कबीला के साथ एक और आदमी भी होता है जिसके घर पर कबीला की माँ काम करती है, उसका नाम डैडी होता है। वो खुद भी फॉर्मर बॉक्सर होता है और कबीला को अपने बेटे की तरह मानता है। दिखाया जाता है कि दोनों क्लब्स के बीच बॉक्सिंग मैचेस चल रहे होते हैं। सरपट्टा क्लब कई बॉक्सिंग मैचेस जीत गया होता है, मगर बोर्ड के सबसे मेन बॉक्सर को हराना बहुत जरूरी होता है, तभी उसको ऑल ओवर विनर घोषित किया जाएगा। पहले भी इडियप्पा क्लब, जो कि राइवल क्लब है, उसका बॉक्सर वेम्बुली सरपट्टा क्लब को एक बार हरा चुका था, इसीलिए कोच रंगन इस बार अपना सबसे मजबूत बॉक्सर लेके आते हैं और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर सरपट्टा का बॉक्सर बहुत मार खाता है। वेम्बुली सच में एक बहुत ही मजबूत बॉक्सर होता है, जिसको हराना बहुत मुश्किल होता है। सरपट्टा के बॉक्सर को वेम्बुली बहुत मारता है। कोच रंगन सोचता है कि मार पड़ने की वजह से कहीं बॉक्सर की जान न चली जाए, इसीलिए सफेद गमछा फेंक कर हार मान लेता है। इस हार की वजह से इडियप्पा क्लब वाले बहुत भला बुरा कहते हैं कि दोबारा कभी भी हमसे मैच लेने की जरूरत नहीं करना, जिस पर सरपट्टा ग्रुप वाले उनसे लड़ने लगते हैं। तभी कोच उनको शांत करवाता है। तभी इडियप्पा का कोच कहता है, कितनी बार हारोगे रंगन और कितनों को बलि का बकरा बनाओगे? रंगन कहता है कि अगर इस बार मेरा बॉक्सर हार गया तो मैं कभी भी रिंग में नहीं आऊंगा। इस बात से सभी बहुत शॉक हो जाते हैं और ये बात सब तरफ अखबारों से फैल जाती है, जिसके बाद कबीला उदास मन से घर पहुंचता है, जहां पर उसकी माँ उसको बहुत मारती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो बॉक्सिंग देखे या उसके आसपास भी आए। उसके पति यानी कि कबीला के पिता की हत्या हो जाने के बाद इनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई थी। कबीला माँ से माफी मांगता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि अब उसकी शादी भी तय हो गई है, जिससे कि सभी लोग बहुत खुश हैं। अगले दिन डैडी और कबीला दोनों ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग को सुनने जाते हैं, जहां पर कोच ये फैसला करने वाला होता है कि आखिर कौन वेम्बुली के खिलाफ सरपट्टा के तरफ से खेलेगा। डैडी कोच रंगन के ही बेटे वेट्री का नाम सुझाता है, मगर रंगन ये कहते हुए रिजेक्ट कर देता है कि वेट्री वेम्बुली का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत लापरवाह है। कोच फाइट के लिए रमन का नाम सजेस्ट करता है। रमन भी एक अच्छा फाइटर होता है। रमन कोच का आशीर्वाद लेता है और हम सब साफ साफ ऑब्जर्व कर पाते हैं कि वेट्री इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। आगे रमन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कोच उसको बहुत कड़ी ट्रेनिंग देने लगता है, मगर कोच देखता है कि रमन के टेक्निक्स सही नहीं है, इसलिए वो उसको बहुत डांटता है, जिससे कि उसका चाचा थनिगा भड़क जाता है। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई होती है। ये PM इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हो रहा होता है। तमिलनाडु के CM इमरजेंसी का अपोज कर रहे होते हैं, जिसमें कोच रंगन भी पार्टी के सदस्य होने के नाते उनका साथ दे रहे होते हैं। आगे दिखाया जाता है कि रमन ट्रेनिंग के लिए नहीं आ रहा होता है, जिससे कि कोच बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहां पर कबीला और उसकी माँ शादी का न्योता देने आते हैं। कोच बहुत खुश होता है और कबीला को आशीर्वाद देता है, जिसके बाद कोच रमन के घर जाने लगता है। कबीला भी उसके साथ जाता है, जहां कबीला रास्ते में बॉक्सिंग और कोच के लिए अपनी दीवानगी बताता है। रमन के घर पहुंचकर कोच देखता है कि रमन ने दूसरा कोच हायर कर लिया है। वो बहुत नाराज होता है। रमन कहता है कि मैच उसको खेलना है तो कोच भी वही चुनेगा। सभी मिलकर रंगन पर दबाव बनाते हैं कि अगर रमन हारा तो क्लब बंद हो जाएगा। रंगन गुस्सा होकर चला जाता है। वहां पर कबीला और रमन के चाचा थनिगा की भी कहासुनी हो जाती है। कुछ दिनों बाद रमन रंगन के यहाँ वापस आता है। रंगन पूछता है ये सब क्या हो रहा है, तो पता चलता है कि वेट्री ने रमन को चैलेंज किया होता है।
रंगन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे वेट्री को बहुत डांटता है। कहता है कि ऐसा करने से सिर्फ नफरत फैलेगी, दुश्मनी बढ़ेगी और वो वहां से जाने लगता है। वेट्री भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जिसके बाद रमन और उसका चाचा थनिगा पीछे से हंसी उड़ाने लगते हैं, जिस पर कबीला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रमन को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है, जिस पर रमन कहता है कि तुझे तो ग्लव्स भी पहनना नहीं आता, तुझे तो मैं एक हाथ से भी हरा दूंगा, जिस पर कबीला फिर से चैलेंज करता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच मैच शुरू हो जाता है। शुरुआत में रमन कबीला पर भारी पड़ता है, मगर रमन ये नहीं जानता कि कबीला अपने गुरु यानी कि कोच रंगन का कितना बड़ा दीवाना है। वो अकेले में कोच को देखकर प्रैक्टिस किया करता था, इसीलिए उसके पास टेक्निक थी। वो रमन के थकने के बाद उसको इतना मारता है कि उसके जबड़े हिला देता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कोच रंगन भी ये सब कुछ देखकर शॉक हो जाता है, जिसके बाद कबीला गुर्राता है और कहता है कि मैं कोच रंगन का शिष्य हूँ, बचपन से देखकर सीखा है मैंने उनसे। रात को उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है, मगर फिर भी डैडी उसके टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट करता है और उसको अगले दिन कोच के पास लेके जाता है, जहाँ पर रंगन कबीला का नाम वेम्बुली से लड़ने के लिए आगे करता है। लेकिन कबीला रंगन से कहता है कि वो नहीं लड़ पाएगा, उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है, जिस पर रंगन को लगता है कि सबको यहाँ बुलाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए वो सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। कबीला कहता है कि मेरे वजह से हाथ मत जोड़िए, और कबीला मैच के लिए हामी भर देता है, कहता है कि वो मैच खेलेगा, लड़ेगा भी और वेम्बुली से जीतेगा भी, जिसमें वेम्बुली कहता है कि तू तो अभी बच्चा है और एक भी ऑफिशियल मैच भी नहीं खेला। उसके साथ एक और बॉक्सर होता है जिसका नाम रोज होता है, वो भी एक जबरदस्त बॉक्सर होता है। वो बोलता है कि तू मेरे सामने दो राउंड भी टिक नहीं पाएगा, जिस पर कबीला कहता है कि दो राउंड में तू जमीन पर होगा, जिसके बाद एक ऑफिशियल रोज वर्सेस कबीला के मैच का अनाउंसमेंट होता है। आगे कबीला की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कोच रोज के फाइटिंग स्टाइल के बारे में बताता है, जहां हमें पता चलता है कि रोज कोई मामूली फाइटर नहीं है बल्कि एक सुपरस्टार है। वो रिंग में तितली की तरह उड़ता है और उसकी फुर्ती का कोई जवाब नहीं। आगे कबीला बहुत भारी प्रैक्टिस करता है, कोच जो भी बताते हैं कबीला वो सब कुछ फॉलो करता है, और आखिर मैच का दिन आ जाता है। वहां पर बहुत भीड़ होती है, सभी लोग इस मैच के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। मैच शुरू होता है और रोज मैच में डोमिनेट करने लगता है, वो कबीला की साइकोलॉजी से खेलता है। पहले राउंड में तो कबीला समझ ही नहीं पाता, क्योंकि रोज कहीं भी एक जगह रुककर खेलता ही नहीं है बल्कि पूरे रिंग में डांस करता रहता है। लेकिन दूसरे राउंड के खत्म होने से कुछ सेकंड पहले कबीला रोज को एक ऐसा पंच मारता है कि वो मुंह के बल गिर जाता है और सभी जश्न मनाने लगते हैं। कोच रंगन का भी अब कबीला पर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कबीला मैच जीत चुका होता है, गांव में भी बहुत जश्न मनता है। आगे कबीला की शादी भी हो जाती है, कबीला भी अब बहुत खुश होता है। आगे मैच की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो जाती है, फोटोशूट भी होता है और मैच की बहुत हाइप होती है। कबीला प्रैक्टिस में दिन रात बिजी होता है, जिससे कि वो अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा होता है। इधर थनिगा भी कबीला से बहुत जलता है, इसीलिए वेम्बुली से जाके कहता है कि अगर मैच के दौरान तुम्हें लगे कि तुम हारने वाले हो तो बस मुझे इशारा कर देना, जिस पर वेम्बुली गुस्सा हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि टाइम ना दे पाने की वजह से कबीला की बीवी बहुत गुस्सा हो जाती है, मगर कबीला उसको मना लेता है। आगे मैच का दिन आ जाता है। मैच देखने के लिए बहुत भीड़ आई होती है, सभी बहुत एक्साइटेड भी होते हैं। मैच शुरू होता है और कबीला पहले राउंड से ही बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे फॉर्म में था, उसको हरा पाना अब बहुत मुश्किल था। कबीला वेम्बुली को बहुत धोता है, कई राउंड्स तक वेम्बुली किसी तरह टिक जाता है। इधर इमरजेंसी की वजह से पुलिस आती है और रंगन को मैच बंद करवाने के लिए कहती है। रंगन कहता है कि वो पार्टी का सदस्य है और किसी से नहीं डरता है, जिसके बाद पंच खाकर वेम्बुली गिरने ही वाला होता है, मगर वो थनिगा को इशारा कर देता है और थनिगा इमरजेंसी की आड़ में कुर्सी रिंग में फेंक कर कबीला के सर पर मार देता है, जिससे कि कबीला का सर फट जाता है और भगदड़ मच जाती है। मैच रुकवाना पड़ता है और कबीला को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। कोच रंगन को पार्टी का सदस्य होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। हॉस्पिटल में डैडी बताता है कि तुम्हारे पिता को थनिगा अपने घर में नौकर बनाना चाहता था, मगर तुम्हारे पिता बॉक्सिंग के चैंपियन थे, उन्होंने पूरे मद्रास पे राज किया। आगे पता चलता है कि रंगन को अभी छुड़ा पाना मुश्किल है, लेकिन इमरजेंसी की वजह से काला बाजार के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल गए थे। काला बाजारी धड़ल्ले से चल रही थी। एक लोकल लीडर वेट्री को काला बाजारी करने की सलाह देता है। वो कहता है कि इसमें बहुत पैसा है,
तुम्हारे पिता तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते हैं। वेट्री कबीला के पास जाता है और कहता है कि उसके पिता रंगन का पता चल गया है, वो सेंट्रल जेल में है। तो कबीला भी उसके साथ उनसे मिलने जाता है। कबीला अब ठीक हो चुका होता है। कबीला और वेट्री अब जाने लगते हैं। वो एक जगह रुक कर रंगन के लिए खाना लेना चाहते हैं। वहां पर थनिगा पहले से ही अपने परिवार और आदमियों के साथ खाना खा रहा होता है। वहां पर कबीला और वेट्री भी खाने लगते हैं। ये बात थनिगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो उन सबके पास जाकर उन लोगों को भला बुरा कहने लगता है, जिस पर कबीला को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो थनिगा को मारने लगता है। झगड़ा बढ़ जाता है और थनिगा हथियार से उन पर हमला करने लगता है, मगर कबीला उसका हथियार छीनकर उसको ही मार देता है, जिससे कि थनिगा गिर जाता है और उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। जिसके बाद वेट्री और कबीला को जेल हो जाती है, मगर वो 6 महीने बाद वापस छूट भी जाते हैं, क्योंकि थनिगा मरा नहीं था और इमरजेंसी की वजह से कोई कानून नहीं था। आने के बाद कबीला देखता है कि वो पाप पड़ने वाला है। उसके घर वाले उससे बहुत नाराज होते हैं, जिसके बाद वो लोकल लीडर थनिगा और कबीला में समझौता कराने की कोशिश करता है, मगर थनिगा वहां पर कबीला को बहुत ज्यादा भला बुरा वापस कहने लगता है, जिससे कि अब दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ जाती है, झगड़े और बढ़ जाते हैं। लोकल लीडर और वेट्री कबीला को थनिगा के दारू के अड्डे पे लेके जाते हैं, जहां पर ये सब मिलके थनिगा के लोगों को मार मार के भगा देते हैं और वहां पर खुद कब्जा कर लेते हैं। वो लोग खुद अब शराब के ठेके को ऑपरेट करने लगते हैं। कबीला को शराब की लत लग जाती है, वो बहुत शराब पीने लगता है, बीवी और माँ से भी झगड़ा करने लगता है। वो अब पूरी तरह से भटक चुका होता है। उसका पेट अब किसी अधेड़ उम्र की तरह बहुत बाहर निकल चुका होता है। वो पूरी तरह से अनफिट हो चुका होता है। वेट्री और कबीला अब उस लोकल लीडर से ही धोखा करते हैं और सब चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल बना लेते हैं, जिससे कि वो लीडर थनिगा से जाके मिल जाता है और थनिगा कबीला पे हमला करवा देता है जब वो नशे में होता है। वो बहुत ही मुश्किलों से बच के वहां से भागता है, जिसके बाद वो बहुत रोता है। वो जानता है कि उसकी ये शराब की आदत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आगे कोच जेल से बाहर आ जाते हैं। उनको वेट्री और कबीला के सभी हरकतों का पता चलता है। कोच कबीला का पेट देखता है और बहुत नाराज होता है। आगे दिखाया जाता है कि सरपट्टा क्लब का नियंत्रण अब थनिगा के हाथों में आ गया है। वो रमन और वेम्बुली के बीच मैच करवा रहा होता है। आखिरी मैच को अब 4 साल गुजर गए थे। इस मैच में रमन बहुत बुरी तरह से हारता है, जिस पर वेम्बुली बहुत जश्न मनाता है। मगर कबीला गुस्से में कहता है, रमन को हराना आसान है, पर आखिरी बार तुम मुझसे हारा था। वेम्बुली गुस्सा होता है और कबीला को बेवड़ा बोलता है, जिसके बाद सभी लोग वेम्बुली को कहने लगते हैं, तुम सच में हारे थे उस दिन। अगले दिन मैच का कॉन्ट्रैक्टर आता है और कबीला से कहता है कि वेम्बुली तुम्हारे साथ मैच लड़ना चाहता है, मगर कबीला कहता है कि वो अब मैच नहीं लड़ पाएगा। मगर उसकी बीवी कहती है कि तुम चाहो तो बदल सकते हो, तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। जिसके बाद ये बात कोच रंगन तक पहुंचती है। रंगन बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि कबीला पूरी तरह से अनफिट है और एक बेवड़ा बन चुका है, वो कभी भी लड़ नहीं पाएगा। वो हाथ जोड़कर कबीला को जाने के लिए कहता है, मगर कबीला अब दुखी हो चुका होता है। वो कहता है कि जिस गुरु को मुझ पर कभी बहुत भरोसा हुआ करता था, वो अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। वो लड़ने का फैसला लेता है। वो कहता है कि मैं लड़ूंगा और सबका भरोसा वापस जीतूंगा। आगे फाइट को फाइनल कर दिया जाता है। फोटोशूट भी होता है, जहां पर कबीला को वेम्बुली मोटा होने के लिए बहुत चिढ़ाता है। थनिगा रमन से कहता है कि तू मेरे लिए पहले कबीला को हरा दे, अगर वो जीत गया तो हमसे ऊंचा हो जाएगा और सरपट्टा में उसी की चलेगी। रमन अगले दिन कबीला को फाइट की चुनौती देता है। फाइट शुरू होती है। रमन कबीला को बहुत बुरी तरह मारता है। कबीला के अंदर का बॉक्सर अब मर चुका था। वो अब बिल्कुल अनफिट होता है। वो रात में अपनी माँ के सामने बहुत रोता है। वो कहता है कि अब वो खत्म हो चुका है। तभी उसकी माँ उसको उसके पिता के गुरु के पास ट्रेनिंग के लिए भेजती है। वो आदमी एक मछुआरा होता है। वह उसे अपने तरीके से मोटिवेट करता है और उसको अलग तरीके से सिखाता है, उसको ट्रेन करता है, उसको बहुत हार्ड वर्क करवाता है। वो धीरे धीरे वापस ट्रैक पर आ जाता है, पेट घटाकर एप्स बना लेता है और वापस अपनी स्पीड पा लेता है। अब वो फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। सब उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर चौंक गए होते हैं। इधर वेम्बुली भी बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग कर रहा होता है। कबीला की वाइफ, माँ सब उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। और आखिरकार फाइट का दिन आ जाता है। जब फाइट के लिए कबीला आ रहा होता है, तब उस पर थनिगा वापस हमला करवा देता है, ताकि वो फाइट तक ना पहुंच पाए। मगर इस बार वेट्री आकर सबसे लड़ने लगता है और कबीला को फाइट के लिए जाने बोलता है।
कबीला रिंग में पहुंच जाता है और उसके बाद मैच की शुरुआत होती है। दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में होते हैं। पहला राउंड बहुत जबरदस्त जाता है। दोनों खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। दोनों के दोनों हार नहीं मानना चाहते हैं, मगर कुछ राउंड्स के बाद कबीला के हाथ में चोट लग जाती है। वो दर्द से कराहने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कोच रंगन की एंट्री होती है। वो उसके हाथ को ठीक कर देता है और कोच को देखकर कबीला का हौसला बहुत बढ़ जाता है। वो भी जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। दोस्तों, ये कोई आम फाइट नहीं होती है, बल्कि ये लड़ाई होती है सम्मान की और गुरूर की, सरपट्टा और इडियप्पा क्लब के बीच में। तभी वेम्बोली का मुक्का खाकर कबीला नीचे गिर जाता है और वो होश खोने लगता है। तभी कोच आकर उसको दो थप्पड़ लगाता है और वो होश में आ जाता है। और उसके बाद बचपन से अब तक जो भी सीखा था उसने उसको रिवाइंड करता है और वेम्बोली के मारने से पहले ही मुक्का मार देता है और एक ऐसा अपरकट मारता है कि वेम्बोली उठ ही नहीं पाता है, जिसके बाद कबीला जीत जाता है। सरपट्टा क्लब का सपना पूरा हो जाता है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर से चिल्लाता है, रंगा गुरु का शिष्य हूं मैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बॉक्सिंग की नहीं है, बल्कि हमें ये मूवी सिखाती है, आप अगर अपने काम में बहुत मेहनत करते हैं तो आपकी जीत पक्की है। लेकिन जीत और आपके बीच हो सकता है कि कई बार आपको गिरना पड़े, लेकिन याद रखिए, असली फाइटर गिरता तो जरूर है, मगर वो वापस उठता है और लड़ता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे और भी ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस आप देख सके। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉचर पॉइंट।